मिसलेनियस चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है मिसलेनियस का। ये कह रहा ओ बी द ओरिजिन, ये ले लिया ओरिजिन, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी 1, 2, -3, ये ले लिया पी पॉइंट और ओरिजिन दोनों दे रखा है। तब कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी, यानी इस पी पॉइंट से एक प्लेन पास होगा, यानी मुझे ये पता है जब सिंगल पॉइंट से कोई प्लेन पास होता है तो उसके इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन होता है ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला है, उसमें एक्स वन वाई वन और जेड वन ये इसके पासिंग पॉइंट हैं और पास हो रहा है 1, 2 और 3 से, तो एक्स वन की जगह 1, वाई वन की जगह 2 और जेड वन की जगह -3, ये डाल देंगे ए एक्स माइनस वन, बी वाई माइनस टू एंड सी जेड माइनस थ्री, तो +3 इक्वल टू जीरो। इतना काम हो गया। अब हमारा काम रह गया ए बी और सी, यानी डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना, और ये आता है नॉर्मल से। तो देखिए इस ओरिजिन को थोड़े से ऊपर ले लीजिए, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर आता है ओरिजिन पे ओपी, यानी ये ओपी इसका नॉर्मल बनता है, किसका प्लेन का नॉर्मल बनता है। तब इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो यानी इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो इन दोनों पॉइंट का माइनस होता है, हमें पहले से पता है। तो दोनों पॉइंट को माइनस कर दिया तो 1 -0, 2 -0, -3 -0, तो कितना आएगा, ये आएगा 1, 2 और -3, ये हमारा आएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओरिजिन। अब मैं क्या करूँगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी यानी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आ गया। ए बी सी, ए की जगह 1 डालूंगा और एक्स माइनस 1, बी की जगह 2, वाई माइनस 2, सी की जगह -3, जेड +3 इक्वल टू जीरो डालूंगा। अब मैं इन्हें सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, एक्स माइनस 1, 2y-4, -3z-9 इक्वल टू जीरो, ये आया x प्लस 2y-3z और 9 और 4, 13 और 1, 14 इक्वल टू जीरो। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन बना, जो एग्जैक्ट इक्वेशन NCERT में गिवन है, ठीक है।